हेलो एंड वेलकम। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। सभी बच्चों को ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी की फैमिली की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप लोगों के लिए सफलतापूर्ण हो। जो बच्चे कड़ी मेहनत और लगन से अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन सभी की मेहनत सफल हो, यही हमारी कामना है और दुआ है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंट अफेयर प्रैक्टिस 4 करेंगे। जो भी आपके करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स हों, चाहे वो 2020 के हों, चाहे वो 2021 के हों, सारे क्वेश्चंस या सारे टॉपिक्स जो आपके होंगे वो प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके कवर किए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपके लिए 80-90% स्कोर करना एग्ज़ाम में ईजी हो जाएगा। आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप लोग को नहीं छोड़ना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्जुन कल्याण बिकेम इंडिया 68 चेस ग्रैंड मास्टर्स, ही इज फ्रॉम डैश। हिंदी के बच्चों के लिए, अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, वह डैश से हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, लूना 25 इज वन ऑफ द लूनर मिशंस प्लान्ड बाय डैश। हिंदी के बच्चों के लिए, लूना 25वें चंद्र मिशनों में से एक है जिसकी योजना डैश द्वारा बनाई गई है। इसका आंसर है रसिया, रूस। अगला क्वेश्चन है, रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है। इसका आंसर है 87। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2021 हैज़ बीन अवार्डेड टू। हिंदी के बच्चों के लिए, वर्ष 2021 के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है रुमाना सिन्हा सहगल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडिया एंड फ्रेंच नेवी इन द अरेबियन सी। हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में अरब सागर में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है। इसका आंसर है वरुण 2021। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग को अटेम्प्ट करना है, गुड जॉब। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2021 विश्व मलेरिया दिवस का विषय है। इसका आंसर है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंट शिप सेट टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक। हिंदी के बच्चों के लिए, दुनिया के पहले बुद्धिमान जहाज का नाम बताइए जो अटलांटिक पार करने के लिए तैयार है। इसका आंसर है मे फ्लावर 400। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली स्वॉर्न एज द न्यू ह्यूमैनिटेरियन चीफ ऑफ द यूएन। हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए मानवीय प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है। इसका आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ्स। क्वेश्चन है, विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। हिंदी के बच्चों के लिए, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है रमेश पवार। अगला क्वेश्चन है, Who has been declared the winner of the World Food Prize 2021? हिंदी के बच्चों के लिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है शकुंतला हरक। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश एंड डैश आर द मेन्स एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल विनर्स ऑफ इटालियन ओपन 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, डैश और डैश इटालियन ओपन 2021 के पुरुष और महिला एकल खिताब विजेता हैं। इसका आंसर है राफेल नडाल एंड ईगा स्वीएटक।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन आउट द टॉप स्पॉट इन फॉर्च्यून्स एनुअल वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट। हिंदी के बच्चों के लिए, फॉर्च्यून के वार्षिक विश्व की 50वां महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है जैसिंडा अर्डर्न। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेवीज फर्स्ट डिस्ट्रॉयर डैश वाज डीकमिशन्ड आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस रिसेंटली। हिंदी के बच्चों के लिए, भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक को हाल ही में 41वें साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था। इसका आंसर है INS राजपूत। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 2021-25। हिंदी के बच्चों के लिए, 2021 से 2025 के अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नासा इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी। हिंदी के बच्चों के लिए, नासा निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रहा है? इसका आंसर है मून, चंद्रमा। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसी तरीके से आप लोग को लगातार करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग बैक द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से किसने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? इसका आंसर है साजी NM। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द ला लीगा 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, ला लीगा 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है एटलेटिको मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ऑब्जर्व्ड ऑन 29th ऑफ मे एनुअली। हिंदी के बच्चों के लिए, प्रतिवर्ष 29 मई को मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर है द रोड टू अ लास्टिंग पीस, एक स्थायी शांति के लिए सड़क। अगला क्वेश्चन है, युवा वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली, व्हाट डज ए इन युवा शॉर्ट फॉर। हिंदी के बच्चों के लिए, युवा को हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, युवा में ए किसका संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर है ऑथर्स, लेखक। तो युवा का फुल फॉर्म है बच्चों यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। आई होप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया सारे क्वेश्चंस को। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, लगातार आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इन सभी के आप नोट्स बना लीजिए या हमारे PDF को फॉलो कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।